असलम एंड हाई यूवन तो आज मैं यार uh, एक uh, मैं पहले ये बोलना चाहती हूँ कि यार मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या फिर uh, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं मे, मेरे पास यू um, नो you know, मेरे पास कोई स्पेशलाइजेशन है इस चीज़ की बट हाँ दिस इज समथिंग दैट आई हैफर्ड माई सेल्फ एंड दैट इज़ ओ सी डी ऑबसेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो कि आई थिंक पिछले दो तीन सालों से आई एम यू नो आई एम डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम जो कि एक मेंटल स्टेट प्रॉब्लम है um, मैं खुद भी मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया था बट uh, उन्होंने मुझे काफ़ी सारी मेडिकेशन दी इस uh, चीज़ के लिए बट मुझे लगा कि यार um, um, मैं वो चीज़ें मैं वो मेडिसिन नहीं खाऊंगी बिकॉज आई थिंक देर वर सम एंटी डिप्रेसेंस ऑल्सो एंड कुछ चीज़ें थी जो कि uh, फिर वो एक आपकी हैबिट बन जाती है राइट right? तो मैंने uh, मैंने सोचा कि आई डील विद दिस प्रॉब्लम इस्लामिकली एंड आई थिंक सम टू थ्री वीक्स अगो मैंने इस पर एक वीडियो भी देखा था दैट वॉज द इस्लामिक परस्पेक्टिव ऑफ ओ सी डी येस कि अगर आपको शायद जैसे अ, अगर आपने अपने अपने, um, अपने वज़ू करा है और आपको लग रहा है कि आपने वज़ू ठीक से नहीं किया है uh, कि इतना भी ज़्यादा ये um, हो जाता है यू you नो know, um, मतलब uh, क्या बोलते हैं उसको uh, बहुत ही ज्यादा यू you नो know, uh, मतलब ऐसा आपको लगता है कि आप अब दो तीन बार वो रेपिटेटिव साइकिल uh, आप करते हो आपको अब आप दो तीन बार सेम सेम चीज़ करते हो ताकि क्योंकि आपको लगता है कि शायद um, आपने ठीक से किया उस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए यू डू इट मल्टीपल टाइम्स या फिर uh, मेरे केस में जो था मुझे थॉट्स काफी ज्यादा आते थे मुझे uh, मैं इमेजिन करती थी लाइक like, मैं किसी इंसान को लिटरली आई एम सेइंग दिस मैं किसी इंसान को देखती थी तो मुझे बार बार वो सब चीजें दिमाग में घूमती थी मेरी कि वो वो सारी इमेज बार बार मेरे दिमाग में घूमती रहती थी या फिर जैसे इसी तरीके से मुझे आ, काफी सारी साइकिल्स में आता है या फिर आपको ऐसा भी होता है कि आ, आप कोई वर्ड बार बार रिपीट कर रहे हो आप आपने कोई वर्ड सुना है या फिर समबड़ी सेट सम यू आर रिपीटिंग इट मल्टीपल टाइम्स इट के इट हैज मैनी फॉर्म्स ओ सी डी हैज मैनी फॉर्म्स जैसे हम बोलते किसी को ओ सी डी होता है क्लिनलीनेस uh, का वो इतना ज़्यादा नहीं वो वो माइनर केस है बट जो इंट्रूसिव थाट्स का लाइक like, आपकी डे टू डे एक्टिविटी सफ़र हो रही है लिटरली मैं अपनी बात करूँ मैं uh, मैं पढ़ाई करने बैठती थी तो मुझे वो सारे थाट्स आते थे मुझे शक्लें दिखाई देती थी इंसानों की uh, या फिर रिपिटेटिव वर्ड्स मैं रिपीट uh, करती रहती थी अपने साथ तो मैंने कैसे इस चीज़ को टैकल किया क्योंकि मैं मैं ये नहीं बोलती हूँ अगर काफ़ी इंटेंस है आपका ओ जैसा मेरा भी काफ़ी ज्यादा हो गया था आपको जरूर से कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो जो मैं करती हूँ मैं आपको वो बोलती हूँ मैं क्या करती हूँ यूजली जब भी मुझे ऐसे थाट्स आते हैं अब तो मैं मैं पढ़ती हूँ हसबन अल्ला नयामन वकी वाला नयामन नसीर तो मैं एक तो ये पढ़ती हूँ और मैं पढ़ती हूँ लाह कतजीम ये दो मैं पढ़ती हूँ Um, जिससे मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा um, पावर मिलता है अल्लाह मेरी इस चीज़ को दूर कर देते हैं और प्लस मैंने ये मुझे मैंने कहीं जगह पढ़ा भी था कि जो हमारा दिमाग है ना इट्स इट्स आर स्लेव हम जिस तरीके से इसको यूज करना चाहेंगे ये इसी तर, उसी तरीके से यू नो सेबल हो जाएगा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर द मास्टर ऑफ योर ब्रेन दिस इज दिस दिस हैज़ टू बी द स्लेव दिस इफ इफ इट विल बिहेव लाइक अ मास्टर तो देन एवरी थिंग विल गो वो क्या बोलते हैं उलट पलट हो जाएगा सारी चीजें तो आपको इसको कंट्रोल करना है आई नो फॉर फॉर एन ओसीडी पेशेंट डिफिकल्ट होता है आपको कंपलशंस आती है कि आप सोचते हो उस एंगजाइटी से बाहर आने के लिए यू डू द कंपलशंस आप बार बार उस थॉट को प्रोसेस uh, करते हो सो दैट दिस पेन दिस एन्जाइटी विल गो अवे सो दैट इट कुड नॉट कम बैक बट उसी चक्कर में जब हम वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहे होते हैं ना वो थॉट अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे होते हैं या फिर वो रिपीट कर रहे होते हैं वो कोई भी चीज़ वो अंडर कंपलशन उससे वो और ज्यादा एग्रीगेट uh, हो जाती है वो चीज़ वो और ज्यादा इलोंगेट हो जाती है सो वॉट यू कोड डू इज जिस uh, अगर आप मुस्लिम हो uh, मैं जो पढ़ती हूँ मैं हसबन अल्ला न्यामन वकील न्याम मौलान न्यामन, न्यामन नसिरर लाह क़ोत ला बिल्लाजीम या फिर आउजबा रजीम क्योंकि ये जो मैंने uh, एक मुफ्ती थे उन्होंने जो पर्स्पेक्टिव से बोला था बोला था कि ये शैतान के वसवासात है जो हमें आते रहते हैं क्योंकि फॉरन ओ सी डी पेशेंट ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उन सब चीज़ों से लड़ना हमें लगता है शायद ये हमारी आवाज़ है बट ये हमारी आवाज़ नहीं होती इट्स इट्स दी वॉइस ऑफ शैतान

अगर आप इस बारे में सोच रहे हो ना कि आपने नमाज अच्छे से नहीं पढ़ी या फिर आपको थॉट कुछ आ रहे हैं जो कि आपको आप जब उसके बारे में सोचोगे ना तो आपके आपके सोल को बहुत अजीब सा लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ जब जिस जो कि आपको ये लगेगा ना कि यार अंदर से थोड़ी आपको पेन होगी जैसे चेस्ट आपका यू नो इट विल इट विल कॉन्ट्रैक्ट जब जो कि आपको वो फील होगा ना उससे देन क्लिक इट की इट इज़ वॉइस ऑफ शैतान और जिन थॉट्स को सोचने से आपको अच्छा फील होता है लेट से आपने नमाज पढ़ी तो आपको अच्छा आपको ट्रैंक्वेलिटी फील हो रही है आपको पीस फील हो रहा है दैट इट्स योर इनर वॉइस सो यू हैव टू लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू दीज टू थिंग्स एंड बिलीव मी इट इट हैज रियली इट हैज हेल्प मी अलॉट इट हैज रियली रियली हैल्व मी अलॉट फिर से मैं ये डिस्कलेमर देती हूँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपका बहुत ही इंटेंस केस है ओ सी डी का आपको बहुत ज्यादा इंट्रूसिव थाज इट्स अफेक्टिंग यू डेट एंड बींग एन ओ सी डी पेशेंट आई हैव ऑब्जर्व इट इट डज अफेट योअर लाइफ इट रियली आई मीन इट ओ माई गॉड आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट बट विद अल्लाह सुबहाना तला से हेल्प अल्लाह तला से दुआ करके बहुत ही ज्यादा इन्होंने you know, नमाज़ में रो रो के मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि प्लीज मेरे लिए इस, इस पेन को कम कर दीजिए तो तब जाके मुझे रिलीफ अब मिला है अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र है मैं ये नहीं बोलती हूँ कि ये खत्म हो गई ये चीज़ अभी भी मुझे साइकिल्स आते रहते हैं बीच बीच में बट फिर जब मैं जूँ ही मैं ये पढ़ती रहती हूँ मैं इस चीज़ को डिफरेंशिएट करती हूँ कि यह मेरी आवाज़ नहीं है शैतान के वसवास आते जो मुझे आ रहे हैं तो बस फिर चला जाता है वो और ये बात आप सोच लीजिए कि जो ही आपको ये थॉट्स आ रहे रही आपके कंट्रोल में है इनसे कुछ होगा नहीं डरिए मत जिस कंफ्रेंड देम ठीक है आ रहा है तो ठीक है पास अच्छा क्या है ठीक है एक फिल्म जैसी चल रही है ना अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है कोई इमेज आपको आ रही है ठीक है ठीक है तो बस फिर अपना ध्यान हटाइए अपने काम पर ध्यान दीजिए बिलीमी थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज दिस इज समथिंग यू नो दिस इज अ न्यूरोप्लास्टिक कॉन्सेप्ट आपके न्यूरॉन्स वायर हुए होते हैं उनको एक हैबिट बन गई होती है और उस हैबिट को तोड़ने में इट टेक्स सम टाइम इट्स नॉट ईजी इट टेक्स सम टाइम इट माई टेक टू वीक्स इट माई टेक थ्री वीक्स बट वो साइकिल आता रहेगा लेट uh, से दो हफ्ते के बाद तीन हफ्ते के इट माइट कम बैक बट यू हैव टू बी विजिलेंट कि यार साइकिल इज कमिंग बैक वट टैक्टिक्स यू नीड टू अप्लाई राइट सो आप ये चीजें करिए इनशाला आपकी भी हेल्प होगी क्योंकि मेरी भी बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी बट अगर आपका बहुत ज्यादा केस बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको केस बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल uh, है देन डू विजिट अ डॉक्टर डू विजिट अ साइकेट्रिस्ट और अ थेरेपिस्ट ही विल श्योरली हेल्प यू ओके सो यस यस अल्लाह तला से बहुत ज्यादा दुआ कीजिए अल्लाह तला जरूर आपकी मदद करेंगे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है और आप अगर आप किसी और को बोलते वो नहीं समझ पाएगा आई कैन अंडरस्टैंड बट इट इज अ प्रॉब्लम इज इफ इट्स अफेक्टिंग योर डे टू डे लाइफ देन इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक एक्शन और आप ही छोटे छुट छोटे एक्शन लीजिए इनशाला आप या फिर आप और एक काम भी कर सकते आप नोट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या फील हो रहा है आपको किस बारे में आपको नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं वो आप नोट डाउन कीजिए आपको फिर फिर अगर लगेगा अच्छा ये चीज फिर से आ रही है तो आपको लगेगा अच्छा चलो ठीक है मैंने नोट डाउन कर लिया फिर बाद में मैं उसको रेफर कर लूंगी ठीक है ना ये भी जर्निंग भी बहुत हेल्प करती है इस चीज में सो so, आप ये चीज़ें कीजिए इनशाला आपकी ज़रूर हेल्प होगी और अगर आपकी हेल्प हुई होगी इन सब चीज़ों से तो मेले दुआ कीजिएगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और येस डू लाइक इट एज़ वेल थैंक यू वेरी मच एंड लॉट्स ऑफ लव अल्लाह हाफ गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू